साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन अब प्लेऑफ में एंट्री करने जा रहा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली आईपीएल की नई टीम गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है, जबकि कुल 9 बार खिताब जीत चुकी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें बाहर हो गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी है। इसी के साथ सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। आपको बता दें कि आईपीएल इतिहास में अब तक मुंबई ने सबसे ज्यादा 5 बार और उसके बाद चेन्नई ने 4 बार खिताब जीता है। आईपीएल की दूसरी नई टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने भी धमाकेदार आगाज किया है। वह गुजरात के बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन सकती है। फिलहाल केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ टीम अभी 16 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज है। आपको बता दें कि लखनऊ टीम ने 12 में से 8 मैच जीते हैं। अब यदि यह टीम बाकी बचे 2 में से 1 भी मैच जीती है तो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यदि दोनों हारती है तब भी 16 पॉइंट्स और सबसे बेहतर नेट रन रेट होने के चलते उसके पहुंचने की उम्मीद काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सबसे तगड़ी जंग तीसरे चौथे नंबर के लिए 5 टीमों के बीच हो रही है। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14-14 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर काबिज है। 5वें नंबर पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स है। इस टीम ने अब तक 12 में से 6 मैच जीते हैं और उसके 12 अंक हैं। आपको बता दें कि राजस्थान, बेंगलुरु और दिल्ली तीनों ही टीम के पास अब 2-2 मैच बाकी हैं। इसमें दिल्ली को थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि यहां से उसे हैदराबाद और पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ की रेस में तीसरे चौथे नंबर की मजबूत वहां से उसे दोनों मैच जीतने होंगे। एक भी हारी तो बाहर हो सकती है। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ की रेस में तीसरे चौथे नंबर की मजबूत दावेदार है। दोनों ही टीम के अभी 10-10 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनके साथ अच्छी बात यह है कि इन्हें अभी 3-3 मैच और खेलना है। ऐसे में इनके पास अपने बाकी बचे सभी मैच जीतकर प्लेऑफ में एंट्री का मौका है। यदि दोनों में से कोई भी टीम एक भी मैच हारती है तो वह लगभग बाहर होने की कगार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि 2 मैच जीतकर उस टीम के सिर्फ 14 पॉइंट्स होंगे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स टीम इस समय प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। आपको बता दें कि टीम ने अब तक 12 में से सिर्फ 5 मैच जीते और उसके 10 पॉइंट्स हैं। केकेआर को अब 2 मुकाबले खेले हैं। यदि कोलकाता टीम अपने बाकी बचे दोनों मैच जीत भी लेती है तब भी उसके सिर्फ 14 पॉइंट्स होंगे। ऐसे में केकेआर को बाकी टीमों के सभी मैच हारने और नेट रन रेट में पिछड़ने की दुआ करनी होगी और ऐसा होना नामुमकिन सा लग रहा है। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। धन्यवाद।